subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये नवी कक्षा की दूसरी कविता निज भाषा इसमें आप तमाम का स्वागत है। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। निज भाषा ये इसके कविवर्य का पहले परिचय ले लेंगे। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 6 जनवरी 1885 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो गई। इनके परिचय है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अपनी कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। प्रमुख कृतियाँ बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य कवि कृतियाँ अंधेर नगरी, चौपट राज्य, हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक, भारत वीरतत्व, वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि का काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध हैं। दोहा ये अधसम मत्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। निज भाषा, निज भाषा यानी निजी भाषा, निज भाषा यानी कि आपकी अपनी भाषा। तो निज भाषा का मतलब होता है अपनी स्वतः की। चलिए इसका इसे पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। निज भाषा, निज भाषा उन्नति, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही ये कोसूल। देखिए, जो सबसे बड़े दोहे बोलने वाले हैं वो संत कबीर है, और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कबीर की ही तरह बेहतर का दोहे पेश करने की कोशिश की है। निज यानी निजी, निज भाषा उन्नति अहे, अहे यानी है, सब उन्नति को मूल, मूल यानी आदि, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। मिटत यानी मिटता ही है, ये हृदय, हृदय सूल, शूल कांटा। तो इस दोहे में क्या कहते हैं, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। अब दूसरा दोहा देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अब इस दोहे में क्या कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं कि पढ़ी के यानी पढ़कर, यद्यपि यानी यद्यपि, गुण गुणगान करना यानी कि जो अच्छे गुण है, अवगुण सद्गुण, प्रवीण चतुर बनना, पै परंतु, और बिन यानी बिना, रहत रहना रहता, तब ही अंग्रेजी पढ़े के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसीलिए मातृभाषा में ही हमें पढ़ना चाहिए, मादरी जबान में पढ़ना चाहिए। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब खोए। अब इस दोहे में क्या कहते हैं, तब ही यानी तब का तब, मूड यानी अज्ञानी मूर्ख, कब हो कब यानी कभी कभी, हवे है यानी होता है, कोए यानी कोई। अब इसमें क्या कहते हैं, कविवर्य कहते हैं, कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाएगा जब उस घर उस पर उसके घर के सभी सदस्य उन्नत विचारों वाले हो, आदि केवल मुखिया ही उन्नत हो, प्रवीण हो, और वो अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाते हैं। और यही बात मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी मातृभाषा, मादरी जबान उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा।
निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा उन्नति बिना कब हूँ ना होए है सोए, लाख उपाय अनेक यूँ भले करे किन कोय। अब इसमें इस दोहे में कविवर्य क्या कहते हैं, कविवर्य कहते हैं कि निज भाषा उन्नति बिना यानी निजी भाषा की उन्नति के बजाय एक यानी एक मति यानी बुद्धि तबे तबे तभी बनत है यानी बनती है सब सा सभी को मूढ़ता मूर्खता शोक यानी के शोक। अब इसमें क्या कहते हैं कविवर्य कहते हैं कि अपनी निजी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले अपनी निजी भाषा की उन्नति के बिना मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती है। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबय बनत है सबन सौ मिटत मूर्ता शोक। अब इसमें कविवर्य क्या कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करे एक ही भाषा में बात करे तो बुद्धि का समुचित विकास होता है, तभी घर देश में एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता व शोक का नाश हो जाता है। और एक अति लाभ और एक अति लाभ ये या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। विद्या यानी कि इल्म हासिल करना, विद्या अर्जित करना, अपनी भाषा में की उन्नति से अन्य लोगों को लाभ होता है, अपने को भी लाभ होता है, ये तो स्पष्ट है। हमें अपनी भाषा में ही विद्या ज्ञान ध्यान की बात करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी उसको सभी को उसका लाभ मिलेगा। तो ही सुने पावे लाभ, लाभ यानी फायदा, तो ही सुने पावे लाभ बात सुने जो कोय, ये गुण भाषा और मोह कभू नहीं होय। अब इस दोहे के इस छंद में कविवर्य क्या कहते हैं, कविवर्य कहते हैं तो ही सुने पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, ये गुण भाषा और मह कभू नहीं होय। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो सब उसे सुनते हैं समझते हैं, ये गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है। अन्य भाषा में बात की जाती है तो किसी को समझ में आता है किसी को नहीं। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा माही प्रचार। अब इसमें कविवर्य क्या कहते हैं कि हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हमें अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सभी देशों की अच्छी बातें सीखना चाहिए और उन सभी का प्रचार अपनी भाषा में करना चाहिए, तभी सबको उसका लाभ मिलेगा। भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध भाषा विविध लखात। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखते हैं भारत में अनेक प्रकार से भिन्नता प्राप्त की है, इसी यानी अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, इसी कारण यहाँ पर झगड़े होते हैं, यहाँ अनेक प्रांत है अनेक भाषाएं हैं विविध धर्म है विविध भाषाएं लिखी जाती है बोली जाती है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि अगर हम इस भारत देश में रहना चाहते हैं तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबके साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।